ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्कड़ बाजार से अस्पताल जाने का रास्ता पिछले एक वर्ष से टूटा पड़ा है। इस रास्ते में सड़क से लगता डंगा पिछले कई महीनों से गिरा था, लेकिन शायद इस पर ना तो नगर परिषद के पार्षदों की नजर पड़ी और ना ही यहां से गुजरने वाले अधिकारियों ने इसे देखा। लेकिन इस डंगे से रास्ते में आए मलबे के कारण यहाँ के लोगों को भी भारी असुविधाओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। सोलन के लक्कड़ बाजार से अस्पताल जाने का रास्ता पिछले एक साल से टूटा पड़ा है। इस रास्ते में सड़क से लगता डंगा पिछले कई महीनों पहले गिरा था, लेकिन शायद इस पर ना तो नगर परिषद के पार्षदों की नजर पड़ी, ना ही यहां से गुजरने वाले अधिकारियों ने इसे देखा है। लेकिन इस डंगे से रास्ते में आए मलबे के कारण यहाँ के लोगों को भारी असुविधाओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। इस डंगे के गिरने के साथ लगते ट्रांसफार्मर का भी गिरने का खतरा हर वक्त लगा हुआ है, जिसके चलते आसपास रह रहे लोग भी खतरे के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सड़क का मलबा सड़क से होते हुए घरों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि इसका निरीक्षण करने कोई नहीं पहुंचा, कई अधिकारी और पार्षद मौके पर आए, लेकिन उनका निरीक्षण केवल मौखिक ही रहा, किसी ने भी इसकी मरम्मत करने के आदेश नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो यहां कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। लक्कड़ बाजार से हॉस्पिटल को रास्ता जाता है जो सीढ़ियों वाला, उसमें एक बड़ा डंगा एक साल पहले गिरा था, ना उसकी कोई रिपेयर हुई, ना उसको देखने आया कोई भी। आने वाले वर्षों में जब रास्ता ये पूरा बंद हो गया तो लोग कैसे चलेंगे, लोगों को परेशानी होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी इस डंगे की रिपेयर की कराई जाए और लोगों को चलने को आसानी हो जाए। यहाँ पे ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल का रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए और टाइलें लगनी चाहिए इसमें। ये ग्रिलें लगाई हैं इन्होंने, कोई पेंट नहीं हुआ हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ हुआ, और जो ये ऊपर खंभा है ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर अपना जो हॉस्पिटल के मेन रास्ता है लक्कड़ बाजार से, उसमें जो डंगा है वो गिर चुका है और एक साल से वो गिरा हुआ है, ना ही इसकी कोई रिपेयर हो रही है और ना ही इसकी कोई देख रेख कर रहा है। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पीछे भी मिट्टी गिरी हुई है एक साल से। ये बैक साइड में मेरा गोदाम है और मुझे गोदाम में भी जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा एक साल से रास्ता बंद पड़ा है गोदाम का और एक साल से मैं इसका रेंट भी दे रहा हूँ। ये रिपेयर इसकी कार्रवाई करने आते हैं, कभी पुनीत शर्मा जी आते हैं, कभी कोई आता है बोलते हैं हो जाएगा, कभी कमेटी वाले आते हैं, कमेटी वाले बोलते हैं हमारी जगह नहीं है, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमारी जगह नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका कोई वो तो होना चाहिए। आने वाले टाइम में और परेशानी हो सकती है, अगर पूरा डंगा ऊपर से गिर जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत आती है इसमें। ये एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए मेन रास्ता है, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी चलते हैं इस रोड पर, तो इसलिए बहुत परेशानी होती है इसमें और इसको ठीक किया जाए।